उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हमने कैप्चरिंग करी, तो कैप्चरिंग करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे जो डी ड्राइव है, डी ड्राइव में जाते हैं, विन 7 कैप्चर वाली फाइल आ गई, विन फाइल, इसको हम एक फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नाम देते हैं विन 7 का, ठीक है, और इसको हम इस फाइल को कट करते हैं, यहाँ से कट करके एक फोल्डर में डाल देते हैं, ताकि हम इस फोल्डर को नेटवर्क से शेयर कर सकें, क्योंकि हम डायरेक्ट फाइल को शेयर नहीं कर सकते, इस रीजन की वजह से हम इस फोल्डर से राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, शेयरिंग पे जाते हैं, एडवांस शेयरिंग, ठीक है, शेयर दिस फोल्डर पे गए, क्या परमिशन पे गए, फुल परमिशन देते हैं एवरीवन को, ओके करते हैं, अगेन ओके, सेंड करते हैं, क्लोज करने के बाद हमारे पास इस टाइम एप्पल इंटरनेट कितनी ड्राइव होगी, एक डी ड्राइव, ठीक है, और जिसमें ओएस है इसको हम कैप्चर कर चुके हैं डी ड्राइव में, जो कि विन 7 शेयर्ड फोल्डर पे है, विन 7 आइकन कैप्चर तो इसके बाद यहाँ पर जो ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेटवर्क डिस्कवरी ऑन कर देते हैं, शेयरिंग सेटिंग्स ऑन कर देते हैं, ताकि हमारा नेटवर्क जो है प्रॉपर्ली काम करता है। डेट चेंज डायरेक्टर सेटिंग्स पे गए, लोकल एरिया कनेक्शन पे गए, प्रॉपर्टीज TCP IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज पे गए, इसको IP एड्रेस डाल देते हैं, असाइन कर देते हैं 10.0.0.2, ठीक है, ये असाइन है 1 बेस मशीन का, इसी मशीन का 2 था, तो 2 दोबारा किया, ठीक है। अब 2 असाइन करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसके पहले शेयरिंग खोल के देख लेते हैं कि कैसे एक्सेस हो रहा है, 10.0.0.2 एक्सेस करते हैं, उसमें विन 7 फोल्डर आ रहे थे, ये हमारी नेटवर्क लोकेशन होगी, ठीक है, जिससे हम एक्सेस करते हैं। अब हमें जाना है एक ब्लैंक मशीन पे, जो कि विद टीम से हम बूट कराएंगे, उस मशीन पे जाके हमें पार्टीशन बनाने, ठीक है, तो पार्टीशन बनाने के लिए सबसे पहले हम चलाएंगे दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट यूटिलिटी के अंदर हम करेंगे सेलेक्ट दिस 0, पहली डिस्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेस्ट में हम करेंगे क्लीन, तो इसका हार्ड ड्राइव को पहले क्लीन करेंगे 40 GB, फिर क्रिएट करेंगे पार्टीशन, पार्टीशन प्राइमरी, ओके, साइज दे देते हैं पहला 100 MB किसके लिए, सिस्टम रिजर्व पार्टीशन के लिए, ठीक है, सेलेक्ट, ये जो पार्टीशन बना है इसका नंबर होता है, सेलेक्ट पार्टीशन 1, पहला पार्टीशन है, ठीक है, फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट स्पेस एफएस इक्वल टू NTFS स्पेस लेबल इक्वल टू, क्या करते हैं सिस्टम रिजर्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिस्टम रिजर्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, साइन कर देते हैं यहाँ पे ड्राइव लेटर, साइन लेटर इक्वल टू सी, इसको सी ड्राइव लेटर साइन कर देते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं पार्टीशन को एक्टिव, ठीक है, उसके बाद फिर से एक और पार्टीशन बनाते हैं, क्रिएट पार्टीशन लाइब्रेरी, ठीक है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी किया, उसके बाद किया सेलेक्ट पार्टीशन 2, सेकेंड पार्टीशन सेलेक्ट किया, उसके बाद किया फॉर्मेट एफएस इज इक्वल टू NTFS, ठीक है, लेबल इक्वल टू यहाँ पे नाम दिया विंडोज, दूसरे पार्टीशन का नाम से भेजा विंडोज, ड्राइव लेटर असाइन कर देते हैं,
करते हैं सर। उसके बाद हमें क्या करना है फॉर्मेट करने के बाद हमें क्या करना है टेबल है ना साइन करना है पसंद लेटर की साइन लेटर इज इक्वल टू डी ड्राइव ये ऑलरेडी असाइन है सीडी डीवीडी को तो हम यहाँ पे ई ड्राइव कर देते हैं तो ई ड्राइव हमारा क्या हो गया विंडोज वाला ड्राइव हो गया एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर फिर एक्सेप्ट कर देते हैं उसके बाद आईपी एड्रेस देते हैं एसएसएस इंटरफेस आईपी सेट एड्रेस लोकल स्टैटिक ठीक है आईपी एड्रेस देते हैं सेवन हमने एक होल्डर बनाया हमने बनाया हुआ हमने चेक कर लेते हैं कमांड ढूंढनी है कहाँ पर है तो हमें सी ड्राइव हमारी सिस्टम रिजर्व पार्टीशन हो गया ई ड्राइव सीडी डीवीडी हो गया ई ड्राइव हमारी विंडोज ड्राइव हो गई एफ ड्राइव हमारी कौन सी बन गई ई ड्राइव हमारी सीडी डीवीडी ड्राइव होगी जिसके थ्रू हमारी बैंक की बूट कर रही है उसमें हमने लिखा इमेज एक्स हमारी ड्राइव कौन सी है सी ड्राइव सी ड्राइव हमने मैप नेटवर्क ड्राइव बनाई है और वहाँ पे हमने नाम क्या दिया है नाम यहाँ से देख करके हैं सर एन सेवन हाइफन कैप्चर हमारा नाम है हाइफन कैप्चर सेव ठीक है डॉट विम एक्सटेंशन नाम देते हैं डॉट विम एक्सटेंशन है इसकी वन इसका इंडेक्स नंबर है ठीक है डालना चाहे ई ड्राइव ई ड्राइव में Thank you.
विम फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ नाम देना है फाइल को, ऑटोमेटिकली चला देगा। ये डॉट विम लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये 10 मिनट लेगा इंस्टॉल करने में, 10 मिनट बाद हम इससे डीसीडी बूट कमांड चलाएंगे, फिर विंडो चेक करेंगे, विंडवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हमारी कैप्चरिंग हो जाएगी, ठीक है। बीसीडी बूट लिखना है, उसके बाद सी ड्राइव विंडोज ये लिखना है, ठीक है। सक्सेसफुली बूट फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद एग्जिट करना है, सक्सेसफुली अपनी कैप्चर विंडो देखो और बाकी भी रिस्टार्ट होगा उसका तो आप देख लेंगे। आपकी आ जाएगी, सही भी आएगी सबकी, पार्टीशन बनाए थे, इसका नाम विंडोज दिया था, इसका सिस्टम रिजॉर्ट दिया था, आगे दोनों पार्टीशन उसी नाम से बस खत्म। कैप्चरिंग एंड इंस्टॉल, थैंक यू फॉर कैप्चरिंग एंड इंस्टॉल।